नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र शुक्ला और आप देख रहे हैं डिजिटल एडवाइस। रात के 8 बज चुके हैं और समय हो गया है CCC ऑनलाइन क्लास का, जिसका आज क्लास 2 है। क्लास 1 हो चुका है जिसमें क्रिप्टोग्राफी डिस्कस की गई थी, तो उस क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको क्लास का टाइम बता दूं तो ऑनलाइन क्लास रात 8 बजे होती है और ऑनलाइन टेस्ट रात 9 बजे होता है। तो दोनों को ही मिस मत करिए, लगातार प्रिपरेशन करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको CCC से रिलेटेड जो भी अपडेट आएगा, रिजल्ट, एडमिट कार्ड, सर्टिफिकेट, वो आपको मिलता रहेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आपको प्रिपरेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं। क्लियर है? व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और देखते हैं आज की ऑनलाइन क्लास में कौन सा टॉपिक है। तो आज का टॉपिक क्या है भाई? कंप्यूटर पोर्ट्स। क्लियर है? इससे यदि हम बात करें CCC के एग्जाम में तो 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। हर एक पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन ये क्या करते हैं, कंप्यूटर पोर्ट्स से पूछते ही पूछते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोर्ट्स का प्रयोग करके क्या करेंगे भाई? डिफरेंट टाइप के उपकरण जोड़े जाते हैं। क्लियर है? मतलब पोर्ट्स का हम यूज करके कंप्यूटर को क्या करते हैं भाई, कंप्यूटर से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स, इंस्ट्रूमेंट, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जोड़ते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, ETC। मतलब कंप्यूटर से जो उपकरण जुड़ेंगे वो पोर्ट के माध्यम से जुड़ेंगे। बात कर लेते हैं कितने प्रकार के पोर्ट होते हैं। तो 2 प्रकार के पोर्ट होते हैं, इंटरनल पोर्ट्स और एक्सटर्नल पोर्ट्स। इंटरनल पोर्ट्स मतलब जो कंप्यूटर के अंदर होते हैं। कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड पर बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। और जो बाहर पोर्ट्स भी आपको दिख रहे होते हैं वो भी कहां पर होते हैं? मदरबोर्ड पर होते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि भाई कंप्यूटर में चीजें कहां पर आके जुड़ती है, तो याद रखना मदरबोर्ड। क्लियर है? तो इंटरनल पोर्ट्स में क्या जुड़ता है? हार्ड डिस्क, CD DVD राइटर, फ्लॉपी डिस्क, बहुत सारी चीजें होती हैं जो अंदर कनेक्ट होती हैं, ठीक है। साथ ही साथ सेकेंड टाइप क्या है? एक्सटर्नल पोर्ट्स, जो हमें बाहर दिखते हैं, चाहे वो हमारा लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, एक्सटर्नल पोर्ट्स हमें बाहर दिखते रहते हैं और इनका हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्सटर्नल पोर्ट्स का यूज करके क्या करते हैं, कीबोर्ड, माउस, ETC, बहुत सारी डिवाइसेज इनपुट और आउटपुट क्या करते हैं, जोड़ते हैं। क्लियर है? तो पोर्ट्स कितने टाइप के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो बात करते हैं पोर्ट 1 की, ठीक है। फर्स्ट पोर्ट कौन सा है, हम लोगों ने डिस्कस किया है, वो है पैरेलल पोर्ट। इससे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, एक तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है, एक साथ एक से ज्यादा बिट को ट्रांसफर कर सकता है। तो ये पॉइंट याद रखना, पैरेलल पोर्ट से बहुत बार एग्जाम में क्या किया जा चुका है, पूछा जा चुका है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, पैरेलल पोर्ट एक से ज्यादा बिट एक समय में ट्रांसफर कर सकता है। दूसरा पॉइंट क्या है, इसका यूज क्या है? तो पैरेलल पोर्ट का यूज ये है, प्रिंटर और स्कैनर के लिए क्या होता था, प्रयोग होता था, अब नहीं होता। क्यों? क्योंकि जितनी भी आजकल लेटेस्ट इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज आ रही हैं, वह सभी क्या है, USB आधारित हैं। तो अब पोर्ट्स तो अभी भी आ रहे हैं, जब पुराना लैपटॉप पे तो नहीं, लेकिन कंप्यूटर देखेंगे तो वहां पे अभी भी आपको पैरेलल पोर्ट मिल जाएगा। लेकिन अब क्या है भाई, इनका यूज नहीं है। क्लियर है? तो मैक्सिमम क्या आ रहे हैं, यूएसबी आधारित आ रहे हैं, तो ये पोर्ट क्या रहते हैं, खाली ही रहते हैं, ठीक है। तो यूज क्या है पैरेलल पोर्ट का, प्रिंटर और स्कैनर जोड़ने के लिए। अभी एक प्रिंटर है जो पैरेलल पोर्ट पे ही आता है, वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जब आप रेलवे जाएंगे, रेलवे स्टेशन पे जाएंगे, तो वहां पर जो प्रिंटर यूज होता है उसमें कौन सा पोर्ट लगा होता है, पैरेलल पोर्ट ही होता है उस प्रिंटर में। क्लियर है?
इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है, मैंने यहां पर लिखा नहीं है लेकिन आप सुन लीजिएगा ध्यान से, पैरेलल पोर्ट में कितनी बिट होती है, सॉरी बिट नहीं पिन, कितनी पिन होती है, तो 25 होती है। यदि ये काउंट करोगे ना कितनी पिन होती है, तो 25 पिन होती है। क्लियर है, पैरेलल पोर्ट में कितनी पिन होती है, 25 पिन होती है। नेक्स्ट सेकेंड पोर्ट सीरियल पोर्ट, इसके द्वारा एक बिट ही डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है, तो यह भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पैरेलल पोर्ट से एक से ज्यादा बिट ट्रांसफर कर सकते हैं, सीरियल पोर्ट से एक समय में एक बिट ही डेटा ट्रांसफर होगा। और इसका यूज क्या है, मेन यूज है इसको मॉडम से जोड़ने के लिए सीरियल पोर्ट का प्रयोग होता है, अब नहीं लेकिन क्यों, क्योंकि लेटेस्ट चीजें आ गई सभी की सभी यूएसबी पे हैं। और बहुत पहले समय में माउस भी आते थे जो सीरियल पोर्ट से कनेक्ट होते थे, बहुत पहले की बात कर रहा हूं, वहां से 15-20 साल पहले, वहां पे जब माउस आते थे तो कैसे आते थे, सीरियल पोर्ट से कनेक्ट होते थे। क्लियर है, तो सीरियल पोर्ट का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वन बिट डेटा ट्रांसफर करता है, और किस लिए यूज होता है, मॉडम को जोड़ने के लिए। क्लियर है, नेक्स्ट PS2, इस बार भी पूछा गया था, PS2 किस लिए यूज होता है, माउस और कीबोर्ड को जोड़ने के लिए। PS2 पोर्ट किस लिए यूज होता है, माउस या और कह लो या तो कीबोर्ड को जोड़ने के लिए होता है। देख लीजिए इसका ग्राफिक्स आपको दिख रहा है यहां पर चित्र ये, और साथ ही साथ देखिए यहां पे बना है, इसमें हम कीबोर्ड लगा सकते हैं, इसमें हम माउस लगा सकते हैं, साथ ही साथ ये इसमें नंबर ऑफ पिंस पूछी गई हैं, ये भी एग्जाम में CCC के पूछा जा चुका है। तो याद रखना PS2 में 7 पिंस होती हैं, 7 गिन लो, काउंट कर लो यहां पर, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है, तो PS2 में कितनी पिंस होती हैं, 7। पैरेलल पोर्ट में कितनी होती है, 25 पिंस होती है। नेक्स्ट VGA, फुल फॉर्म वीडियो ग्राफिक्स एरे, इस बार भी पूछा गया था, VGA का फुल फॉर्म वीडियो ग्राफिक्स एरे, और इसका यूज क्यों करते हैं, मॉनिटर या प्रोजेक्टर को जोड़ने के लिए। क्लियर है, यदि कंप्यूटर से हमें मॉनिटर जोड़ना है तब भी VGA पोर्ट का यूज होगा, यदि प्रोजेक्टर जोड़ना है फिर भी किसका यूज होगा, VGA पोर्ट का यूज होगा। और इसमें नंबर ऑफ पिंस की पूछा जाए तो 15 होती है, ये नंबर ऑफ पिंस जो पूछी जाए तो कितनी होती, 15 होती है। क्लियर है, फुल फॉर्म याद रखना, वीडियो ग्राफिक्स एरे यूज मॉनिटर और प्रोजेक्टर जोड़ने के लिए, और थर्ड पॉइंट नंबर ऑफ पिंस 15 होती है। क्लियर है, नेक्स्ट पोर्ट देखते हैं, HDMI फुल फॉर्म हाई डिफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, HDMI हाई डिफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस किस लिए यूज होता है, मॉनिटर प्रोजेक्टर और टीवी को जोड़ने के लिए। अब लेटेस्ट टीवी जो आ रही है उसमें टीवी में भी HDMI पोर्ट आने लगा है। क्लियर है, जैसे बोलते हैं एयरटेल HD, एयरटेल का मैंने HD डिश लगवा रखा है तो मेरा जो DTH बॉक्स है ना उसमें HDMI का पोर्ट है, और मेरी टीवी में भी HDMI का पोर्ट है, तो मैंने क्या किया, जोड़ दिया दोनों जगह। अच्छा अंतर क्या है जरा समझना, VGA जो है वो उतनी हाई क्वालिटी का नहीं देता आउटपुट जितना HDMI देता है। क्लियर है, हम लोग वीडियो देखते ना, नॉर्मल वीडियो HD वीडियो अंतर होता है ना, वैसे ही क्या है, VGA कम अच्छी गुणवत्ता का आउटपुट देता है जबकि HDMI अच्छी क्वालिटी का आउटपुट देता है। दोनों का यूज एक ही है, VGA भी मॉनिटर प्रोजेक्टर टीवी भी जोड़ सकते, पहले आने लगी थी बीच में, HDMI मॉनिटर प्रोजेक्टर टीवी, डिफरेंस क्या है, आउटपुट क्वालिटी में डिफरेंस होता है। दिखता कैसा है ये देखो, ऐसा दिखता है, ये HDMI का है, और आजकल जितने लैपटॉप्स आ रहे हैं उनमें भी HDMI पोर्ट होता है। क्लियर है, नेक्स्ट USB फुल फॉर्म पूछा जा चुका है बहुत बार एग्जाम में, याद कर लीजिएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस, फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस किस लिए यूज होता है, प्रिंटर कीबोर्ड माउस जितना भी आजकल आ रहा है, मैक्सिमम चीजें जो आ रही हैं आजकल वो USB आधारित आ रही हैं, पेन ड्राइव हो गया आपका, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो गया, बहुत सारी चीजें हैं जो किस पर आधारित आ रही हैं,
यूनिवर्सल सीरियल बस पर आधारित आ रही हैं, मतलब यूएसबी आधारित आ रही हैं, और यूएसबी सभी ने देखा होगा, उसका चित्र मैंने यहां पर नहीं जोड़ा है। नेक्स्ट पोर्ट कौन सा है? RJ45। इसका प्रयोग नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए करते हैं। RJ45 का प्रयोग नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए करते हैं, और दिखता कैसा है? ये ऐसा दिखता है, क्लियर है। तो यदि हमें लाइन से जोड़ना है या इंटरनेट से जोड़ना है वायर के थ्रू, तो हम इस पोर्ट का यूज करेंगे। वायरलेस के थ्रू नहीं, वायरलेस में तो सीधे हॉटस्पॉट ऑन किया और शेयर किया और जुड़ गए, लेकिन यदि हमें वायर तार के थ्रू जुड़ना है तो आजकल लैपटॉप कंप्यूटर में RJ45 पोर्ट क्या है आता है, जिसकी हेल्प से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं लोकल नेटवर्क से या इंटरनेट से, क्लियर है। तो ये थे कुछ पोर्ट्स जिनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। प्रॉपर याद कर लीजिएगा, 1 से 2 क्वेश्चन आपको क्या होंगे, इन 7 पॉइंट्स से मिलेंगे ही मिलेंगे। और साथ ही साथ यदि इंटरनल पोर्ट्स पढ़ने हो, वैसे तो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यदि इच्छा है आपकी यहां सर इंटरनल पोर्ट्स भी पढ़ाइए तो कमेंट करिएगा, क्लियर है। तो मैं आपको इंटरनल पोर्ट्स जो होते हैं मदरबोर्ड के वो भी मैं पढ़ा दूंगा, समझ गए। तो मिलते हैं कल रात 8 बजे। कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको हर एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, क्लियर है। तो मिलते हैं कल रात 8 बजे एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।